अब बात करते हैं जिला प्रशासन को सौंपे गए एक ज्ञापन की। मारवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले व्यापारियों के सामान को अन्य क्षेत्रों में भेजने की मांग की है। इनका कहना था कि ये सामान खराब होने का अंदेशा है, ऐसे में इसे अन्य क्षेत्रों में भेजा जाए। इस पर जिला कलेक्टर ने एक प्रक्रिया अपनाते हुए इस संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल जोधपुर जिलाधीश से मिला और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में और अन्य इलाकों में व्यापारी समुदाय को होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लॉकडाउन लगने के बाद व्यापारी समाज पूरे प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहा है, लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में जो व्यापारियों की दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, वहाँ कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर चूहों आदि के प्रकोप का डर है, कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनके अंदर माल खराब होने वाली प्रकृति का है। व्यापारी समुदाय ने चैम्बर के नेतृत्व में मांग की कि हमें अपनी दुकानों को सार संभाल करने का मौका दिया जाए और वो माल जो खराब होने वाली प्रकृति का है उसे वहाँ से हटाने के लिए इजाज़त दी जाए। कलेक्टर महोदय ने एक निश्चित प्रक्रिया अपनाते हुए इस प्रकार के कार्य को अतिशीघ्र करवाने का आश्वासन दिया।